बहुत नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। आप देख रहे हैं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। हिंदुस्तान में चंद लोग ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाते और बजाते सिर्फ पाकिस्तान का है। देश भर में फैले उसी नफरती गैंग की महबूबा यानी महबूबा मुफ्ती, जो भारत के संविधान की शपथ लेती है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन उनके बोल हमेशा अलगाववादी रहे। वो जब भी बोलती है जहर बोलती है। जो सेना देश की हिफाजत करती है, जम्मू कश्मीर की रक्षा करती है, बाढ़ तूफान कोई भी आपदा हो उससे घाटी के लोगों को बचाती है, उसी सेना की तुलना महबूबा ने आतंकियों से की है। उन्हें सेना और आतंकियों की गोली में कोई फर्क नजर नहीं आता। यही नहीं, महबूबा को ड्रग्स केस में हिंदू मुसलमान कार्ड नजर आता है। उन्हें लगता है कि एनसीबी ने मुसलमान होने की वजह से आर्यन खान को पकड़ा है। शर्म आती है ऐसे सियासतदान और उनकी सोच पर। देश को जवाब दो में आज इसी मुद्दे पर अहम सवाल कि क्या महबूबा मुफ्ती सियासी फायदे के लिए अब मुस्लिम कार्ड खेल रही है? क्या नफरत गैंग मजहब का इस्तेमाल करके असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाह रहा है? क्या गद्दार गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वक्त अब आ चुका है? सेना पर सवाल उठाने वालों को बार बार मैं देशद्रोही क्यों ना मानूं? आज देश को जवाब दो में इसी मुद्दे पर पूछूंगी सवाल, मेहमानों से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शहादत पर सियासत, नफरत गैंग की आदत। देश जलाने वालों में मजहब तलाशे महबूबा। ड्रग्स बाजों पर भी हिंदू मुसलमान। हिंदुस्तान में नफरत गैंग जोर शोर से काम पर लगा हुआ है। भड़काऊ गैंग ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जिससे देश के अमन चैन को नुकसान पहुंचता हो। जहरीली जुबान का इस्तेमाल कर नफरत गैंग देश को खोखला करने वालों का मनोबल बढ़ाता है और उनके साथ खड़ा होता है। नफरत गैंग की जहर जुबानी वाला ताजा बयान आया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। हमेशा से ही अलगाववादियों और आतंकियों की ढाल बनने वाली महबूबा इस बार ड्रग्स गैंग के पीछे मजहब का तड़का लगाने आई। उन्होंने पुड़िया गैंग के बचाव में मुसलमान कार्ड खेल दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि चार किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे का उदाहरण देने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका उपनाम खान है। न्याय की विडंबना है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरे नजर में। ताज्जुब की बात है कि देश के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी महबूबा मुफ्ती को देश के जालसाजों में भी हिंदू मुसलमान नजर आता है। उनके पास ड्रग्स गैंग का बचाव करने का वक्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और आतंकी वारदातों पर बोलने का वक्त नहीं है। महबूबा मुंबई में ड्रग्स गैंग के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, लेकिन उनके गृह राज्य के राजौरी में 5 जवानों की शहादत पर उनकी जुबान नहीं खुलती। महबूबा के नफरती बोल पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। महबूबा मुफ्ती साहिबा, सारी दुनिया जानती है कि हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करती हैं। महबूबा मुफ्ती जो तालिबान की भाषा बोले, जो आतंकवादियों की भाषा बोले, जो पाकिस्तान जैश लश्कर हिजबुल की भाषा बोले, उन्हें क्या मालूम कि किसानों का, मजदूरों का, आम जनमानस का दर्द क्या होता है। वो तो राजनीतिक षड्यंत्र करना जानती हैं और हमेशा राजनीतिक षड्यंत्र करती रहती। ऐसा पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ने मजहब की आड़ में नफरती बोल बोले हों। केंद्र सरकार को घेरने के लिए महबूबा अक्सर अलगाववाद और आतंकवाद की पैरोकार बनकर खड़ी रहती हैं। भड़काऊ गैंग में और भी लोग हैं जो देश के युवाओं को भड़काते हैं। एक दिन पहले ही घाटी के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने आतंकियों के साथ बातचीत की पैरवी की थी। अब वक्त आ गया है कि जब देश के दुश्मनों के साथ गद्दार गैंग का भी दफन हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।